मार्क करोगे तो एक दूसरे को हमेशा कवर देते हैं, बट उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अमन ने एक नॉक निकाल दिया श्राइडर की तरफ और अमन इंस्टेंटली गाड़ी पे बैठना चाहेंगे, पुश करना चाहेंगे, कैपिटलाइज करना चाहेंगे। और पीएसजी क्रॉलर्स के अभी ने वहाँ पे मार्कस गेमिंग के ऊपर भी हल्ला बोल कर दिया और मार्कस गेमिंग के एक प्लेयर को नॉक करके फिनिश भी कर दिया। इसी के साथ टीम सोल यहाँ पे आगे बढ़ती हुई टीम सिनर्जी के प्लेयर्स की तरफ देखते हैं। यहाँ पे मॉर्टल, अमन और वाइपर काफी क्लोज इन आ चुके हैं। रेंगलटॉस आई गेस एक फ्लैंक एंगल बना के रखना चाहेंगे और रेंगलटॉस राइट हैंड साइड से गाड़ी को ऊपर पार्क करते हुए यहाँ पे बीएससी क्रॉलर्स के ईवन ने वहाँ पे एमजीजेड के शैडो को नॉक कर दिया। अमन यहाँ पे काफी करीब आ चुके हैं, यहाँ पे नेट भी कुकिंग करते हुए सीपी की तरफ से, यहाँ पे मोलोटॉप भी आता हुआ बट अमन उसको भी डॉच करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेट कनेक्ट कर पाए। रेंगलटॉस यहाँ पे कोशिश करते हुए सीपी को स्पॉट कर दिया, बहुत ही बेहतरीन नॉक यहाँ पे G36 के द्वारा और इंस्टेंटली उसको फिनिश भी कर देगा अमन। और वाइपर ने वहाँ पे टेड को भी नॉक कर दिया और यहाँ पे टीम सोल का एक बहुत ही आक्रामक पुश देखने को मिल रहा है। श्राइडर यहाँ पे मॉर्टल को नॉक करते हुए डेफिनेटली चाहेंगे उनको फिनिश ऑफ करने के लिए और सक्षम भी रहेंगे। श्राइडर अकेले बचे, देखते हैं यहाँ पे बैक लाइन पे जा चुके हैं, रीपोजिशन करना चाहेंगे बट टीम सोल इस कंपाउंड को सिक्योर करते हुए, टीम सोल ऑलमोस्ट टीम सिनर्जी को वाइप आउट करते हुए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे उनके एक कैजुअलिटी भी हो गया यहाँ पे। यस आई मीन यहाँ पे सोल को क्या हुआ था एंड वहाँ पे अल्टीमेटली मॉर्टल वॉल के उस तरफ क्यों था फॉर वन पर्सन, आई थिंक दैट वाज थोड़ा सा रॉन्ग कॉल हो गया था वहाँ पे। मॉर्टल मेरा कंफर्म होता, वो 1v1 फाइट था देखो नंबर वन, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बट आई थिंक मॉर्टल शुड नॉट हैव बीन ऑन द अदर साइड। यहाँ पे पीएच ओपन ने पुश किया, अमन ने दो तीन प्लेयर को वहीं पे गिरा दिया, पीएच की पूरी स्क्वाड एलिमिनेट हो सकती है, ही जस्ट नीड्स थोड़ा सा कवर फायर एंड दैट कवर फायर इज कमिंग। रेगल्टॉस और वहाँ पे लेकिन अमन काफी लो ऑन एचपी है, तीनों प्लेयर्स डाउन है। स्ट्राइडर पे भी पीछे शॉट्स आते हुए, वाइपर पुश करते हुए ज़ेब्रा पे एंड यहाँ पे 1v1 का फाइट, वाइपर इज नॉक्ड आउट लेकिन यहाँ पे रेगल्टॉस को प्रॉपर कवर फायर देना होगा। ज़ेब्रा अगर यहाँ पे क्लच कर जाता है देन दिस इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट क्लच। ज़ेब्रा यहाँ पे नेट कुक कर रहा है, रेगल्टॉस यहाँ पे डैमेज दे सकते हैं, यहाँ पे एक नेट आया डेट माइट डैमेज रेगल्टॉस, रेगल्टॉस ने शायद नेट का साउंड सुन लिया। ज़ेब्रा इज गोइंग फॉर द पुश, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है एंड ही इज गेटिंग थर्ड पार्टीज। ज़ेब्रा इज वेरी लो ऑन एचपी, रेगा के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे पुश करे, नो बट ही इज प्लेइंग इट सो पेशेंटली आउट हियर। आई डोंट नो कि यहाँ पे वाइपर रेगा के माइंड में क्या चल रहा है एंड वाइपर ने क्या उनको इन्फॉर्म कर पाया है नहीं कर पाया, पर यहाँ पे ज़ेब्रा इज गोइंग फॉर अ रिवाइव एंड दिस कैन कंप्लीटली चेंज थिंग्स फॉर पीएच यहाँ पे, एंड अगर वो रिवाइव हो जाता है देन सोल विल कम एट अ बी एट अ ह्यूज डिसएडवांटेज। यहाँ पे डार्क को नॉक करेंगे, ज़ेब्रा के ऊपर भी काफी ज्यादा डैमेज दे चुके हैं, हिप फायर लेते हुए यहाँ पे ज़ेब्रा को ऑलमोस्ट एक एचपी पे ला चुके हैं और मेक श्योर करेंगे टीम पावर हाउस के सारे प्लेयर्स को फिनिश कर देंगे। आई थिंक वाइपर को यहाँ पे बचाने में सक्षम रहेंगे बट ज़ेब्रा स्मोक का फायदा उठाते हुए यहाँ पे हील अप कर लेना चाहेंगे और हील अप करने में भी वो सफल रहे और ज़ेब्रा यहाँ पे ढूंढ रहे रेगल्टॉस को, एक अच्छा खासा मौका है यहाँ पे टीम पावर हाउस के ज़ेब्रा का यहाँ पे क्लच करने के लिए। यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए उजी के सहारे यहाँ पे अगर आप देखोगे रेगल्टॉस भी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे, पर रेगल्टॉस से यहाँ पे कमिंग आउट ऑन टॉप, बहुत ही प्यारा फिनिश यहाँ पे टीम सोल दो फाइट्स हार लेते हुए ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे श्राइडर अभी भी जिंदा है क्योंकि दो स्क्वाड्स को वाइप आउट कर देंगी बट श्राइडर को जब